देश आज़ादी के जश्न में डूबा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को संबोधित भी किया, तो वहीं अपने भाषण में उन्होंने विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के मौके पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना की शुरुआत 15,000 करोड़ रुपए से होगी। इस योजना के तहत कारीगरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को मदद की जाने वाली उन्होंने बात कही। खास बात है कि साल 2023 के आम बजट में भी सरकार ने विश्वकर्मा योजना की बात कही थी। इससे ओबीसी के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है ये योजना और इसका लाभ किसे मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आम बजट के दौरान इसका ऐलान किया था, जिससे लोगों को फायदा होगा। इसके तहत न केवल आर्थिक मदद की जानी है, बल्कि प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और ग्रीन तकनीक, ब्रांड का प्रमोशन, स्थानीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव, डिजिटल पेमेंट्स और सामाजिक सुरक्षा की भी बात शामिल है। अब आपको बताते हैं कि इस योजना से किन्हें फायदा मिलने वाला है। लाल किले पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का बजट 13 से 15 हज़ार करोड़ रुपये का होगा। सरकार इस योजना के जरिए पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुँचाएगी, जिसमें सुनार, लोहार, नाई, चर्मकार जैसे लोगों को फायदा होगा। इस योजना का मकसद ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना है जो हाथ से कोई स्किल्ड वर्क करते हों, यानी हाथ के दस्तकार हों, पीढ़ियों से यह काम करते आ रहे हैं और ऐसे लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है। बता दें कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ देश के एक बड़े वर्ग को होगा, जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी है। बढ़ई, मूर्तिकार, लोहार, राजमिस्त्री और अन्य ऐसे काम करने वाले कारीगरों को अपना काम करने और अपने विकास में ये योजना बहुत काम आने वाली है। इन कारीगरों को अपने उत्पाद के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के भी प्रावधान इस योजना में किए गए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन विश्वकर्मा योजना के अलावा एक और नई योजना पर सरकार के विचार करने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि गांव में 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाने का, इसलिए हम नई योजना के बारे में सोच रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी ले आएंगे, ड्रोन की सर्विस उपलब्ध कराने के लिए हम इन्हें ट्रेनिंग देंगे। देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, देश आधुनिक की तरफ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे के नीचे से दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना से 20 लाख करोड़ रुपये की रकम युवाओं को अपने कारोबार शुरू करने के लिए दिए हैं। इस योजना के जरिए 8 करोड़ लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया है और हर कारोबार से 1-2 लोगों को रोजगार मिला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।